हेलो एंड वेलकम टू आर टुडेज क्लास। आज हम एक वेरी ब्यूटीफुल पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ेंगे। इसका टाइटल है डेफोडिल्स। इससे पहले कि वे स्टार्ट करें, बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस नो ब्रीफ आई मीन नो ब्रीफली अबाउट द पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ इज ऑल्सो नोन एज नेचर पोएट। हिज पोएट्री हिज पोएम एक्सटेंसिवली सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स इफेक्ट ऑन मैन। इसकी जो पोएम्स के अंदर ज़्यादातर वो जो आई मीन मोस्टली जो 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 ग्लोरीफाई करता है वो नेचर को करता है, और जो इसका इफेक्ट होता है नेचर का, जो ब्यूटी नेचर ब्यूटी ऑफ नेचर का जो इफेक्ट ह्यूमन बींग्स पर होता है उसको सेलिब्रेट करता है। अच्छा, इनसे पहले ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू एन एज विच इज़ कॉल्ड रोमांटिक एज। इन रोमांटिक एज में जो पोएट्स थे, शेली था, कॉलरिज और लॉर्ड बैरन और वर्ड्सवर्थ, ये इन्होंने जो स्टार्ट करा लिखना, ये ह्यूमन बींग्स के बारे में और नेचर के बारे में स्टार्ट किया। इनसे पहले बिफोर देम प्रायर टू देम पोएट्स यूज टू राइट अबाउट ग्रेट पर्सनैलिटीज, ग्रेट इवेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस। अच्छा, एक चीज़ और जो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मशहूर है, आई मीन ही इज़ नॉन फॉर और ही इज़ फॉन्ड ऑफ आई मीन हिज एबिलिटी हिज अप्रोच, वो क्या है? इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ज़्यादा जो इसकी पोएम्स है मोस्टली वो अपने एक्सपीरियंसेस के ही बारे में लिखता है। आई मीन हिज पोएट्री इज यू नो इज अबाउट वॉट ही हिमसेल्फ हैज़ एक्सपीरियंस्ड, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट ही कम्स एंड इमिडिएटली सिट डाउन राइटिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंसिस। ही राइट्स अबाउट दैम मच मच लेटर, मे बी मंथ्स और ईयर्स लेटर। वो जो भी मतलब एक्सपीरियंस करता है नेचर का ब्यूटी, वो लिख देता है उसी पोएट्री के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं कि उसने अभी देखा और कुछ विटनेस करा, कुछ ब्यूटी वगैरह आया और उसने स्टार्ट कर दिया लिखना, ऐसा नहीं है। वो क्या करता था कि वो उसको रिकलेक्ट करता था जब वैन एवर ही इज सिटिंग वैन एवर हीज यू नो माइंड इज इन पीसफुल स्टेट, ही यूज टू राइट अबाउट दोज एक्सपीरियंसेस। तो इसी की वजह से इसको कहते हैं इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो हम इस पोएम्स को पढ़ते हैं, इस पोएम को पढ़ते हैं। ये बड़ी ब्यूटीफुल पोएम है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर है, बड़ी इजीली समझ में आ जाएगी। लेट अस होप दैट यू विल एंजॉय इट एंड वी शैल बी एबल टू डू जस्टिस विद दिस ग्रेट पीस ऑफ पोएट्री। डैफोडिल्स। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. The pehla jo stanza hai, pehle stanza mein hame malum chalta, first line of this poetry tells us that the poet is not happy, because whenever you wander, wander mean walking aimlessly, walking around aimlessly without any kind of goal. So if somebody is without the goal, that means he is not having anything in his life to do, much to do, at least at that moment of time. उस वक्त में उसके पास कुछ ऐसा नहीं है, ही इज जस्ट जैसे आवारा फिरते हैं ना, आवारा फिरते हैं, कोई मकसद नहीं होता, कोई पर्पज नहीं है उस तरह से। तो ये जो लाइन है, पहली फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएट्री स्टार्ट्स विद ए नोट ऑफ पेसिमिज्म, थोड़ी ग्लूम सैडनेस बताती है हमें। आई वॉन्डर्ड लोनली, लोनली द वर्ड लोनली सजेस्ट दैट लोनलीनेस ऑफ द पोएट। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये वॉन्डर्ड मतलब एमलेसली, वॉकिंग एमलेसली, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। क्लाउड की तरह से मैं घूमता फिर रहा था, कहाँ पर? वैलीज और बताया हिल्स एंड वेल्स मीन्स वैलीज, ओल्ड यूज ऑफ दिस इज एन ओल्ड इंग्लिश, वैलीज वेल्स। तो बोलता है कि एज ए क्लाउड मैं फिर रहा था एमलेसली, एक क्लाउड की तरह से जो कि घूमता फिरता है या तैरता रहता, तैरते से बोट फिर सेल करता है ना वाटर पे, ऐसे ही वो घूमता फिरता है कहाँ पर? हिल्स में एंड वैलीज पर। तो उसने पहले में अपने स्टेट बता दिया, स्टेट ऑफ माइंड, कि ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, जब ये देख जब ही वॉज वंडरिंग, तो अचानक, ऑल एट वंस अचानक, सडनली, ऑल ऑफ अ सडन ही सॉ अ क्राउड, एक क्राउड देखा उसने, ग्रुप ऑफ पीपल होता है क्राउड, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। वो क्राउड, वो होस्ट किस चीज़ का था, किस का था? वो कोई लोग नहीं थे बल्कि क्राउड ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। डेफोडिल्स डेफोडिल्स फ्लावर्स होते हैं, काइंड ऑफ फ्लावर्स, येलो वाइट वगैरह,
तो इसने आग येलो नहीं कहते हुए इसको गोल्डन कहा है। मैं आपको आगे बताएंगे हम आपको कि इसको कहते हैं एग्जैजरेशन, हाइपरबोल। जब कोई चीज़ बढ़ाकर पेश कर बताते हो किसी को उसकी मजेस्टी के लिए या उसका एनहेंस करने के लिए इफेक्ट, उसको कहते हैं हाइपरबोल, एग्जैजरेशन। ये फिगर ऑफ स्पीच कहलाती। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, और ये जो डेफोडिल्स थे गोल्डन कहाँ थे, कहाँ देखे उसने, बिसाइड द लेक, लेक एक झील के किनारे के बिल्कुल अक्रॉस, मीन अलोंग द लेक थे, और बीनीथ द ट्रीज वहाँ ट्रीज भी उगे हुए थे, उसके नीचे थे और लेक के साइड में थे। तो इस तरह से पूरी इमेजरी, एक इमेजरी होती है पोएट्री में, इमेजरी जो पूरी, एक जो पोएट होता है आपके सामने पूरा एक ड्रॉ कर देता है कि उसका जो बैकग्राउंड है, जो उसका टॉपोग्राफी है, उसने पूरा यहाँ पर स्टेट कर दिया, पूरा बयान कर दिया। एंड वॉट दे वर डूइंग द डेफोडिल्स, वॉट दे वर डूइंग, दे वर फ्लैटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ब्रीज इज कॉल्ड जेंटल विंड, स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म, वायलेंट वायलेंट विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म, एंड लाइट ब्रीज, जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज व्हेन यू एंजॉयड। तो कहाँ देखे उसने डेफोडिल्स, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, और क्या कर रहे थे वो, व्हाट दे डूइंग, व्हाट दे वर डूइंग, फ्लैटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, दे वर फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग इज कॉल्ड क्विक फ्लैपिंग ऑफ विंग्स बाय बर्ड्स और बटरफ्लाइज, फ्लैपिंग। एंड डांसिंग, एज यू नो डांसिंग में जो डांस करते हैं ह्यूमन बींग, ये पर्सोनिफिकेशन है। तो पर्सोनिफिकेशन मतलब वैन यू एट्रीब्यूट सम करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग टू सम वन विच लिविंग थिंग और ए पर्सन, पर्सन। तो दो डेफोडिल्स आर ऑल्सो लिविंग बट दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन जो एट्रीब्यूट है डांसिंग का वो उसको दिया गया, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ऑन फ्लैटरिंग इज ऑल्सो फॉर पर्सोनिफिकेशन बिकॉज बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज डू दैट, फ्लैटरिंग द एक्शन ऑफ फ्लैपिंग विंग्स। नहीं, यहाँ बताया गया है कि डेफोडिल्स कर रहे थे, ये स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो रहा है। पहले थोड़ा सा ग्लूमी था, सैड था, ठीक है, अब हल्के हल्के इसको चेंज हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखें मैंने जो ऑब्जर्व करी कि क्राउड, या क्राउड था देन हा होस्ट, अ क्राउड इज ऑल्सो इज ग्रुप ऑफ पीपल, अनरूली पीपल, देयर इज समथिंग अनरूलीनेस अबाउट क्राउड, अनडिसिप्लिन, अनडिसिप्लिन। एंड होस्ट आई मीन अगेन ग्रुप ऑफ पीपल बट दे हैव गॉट सम नाइस थिंग अबाउट देम, यू फील नाइसली अबाउट होस्ट ऑफ पीपल। तो इट सेज क्राउड देन होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, ठीक है, चेंज ऑफ मूड। पहले गम थी, आई मीन ही वॉज ग्लूमी इन द बिगिनिंग, देन अगेन ही स्टार्टेड आफ्टर सीइंग, आफ्टर विटनेसिंग दिस ब्यूटिफुल शो ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, ही स्टार्टेड चेयरिंग अप, राइट, स्टार्टेड फीलिंग गुड। तो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा, लेट अस टॉक अबाउट दिस, यू नो, फिगर ऑफ स्पीच। लेट अस टॉक अबाउट, एज आई टोल्ड यू, एज अ क्लाउड इट इज सिमिली, सिमिली इज अ कंपेरिजन, वैन यू कंपेयर वन थिंग टू अनदर इज कॉल्ड सिमिली। तो यहाँ सिमिली है कि लोनली एज अ क्लाउड, क्लाउड की तरह से, एज एंड लाइक जब आता है वो सिमिली कहलाता है। क्राउड एंड दिस डांसिंग एंड फ्लैटरिंग, डांसिंग एंड फ्लैटरिंग इज पर्सोनिफिकेशन। जो करेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन बींग के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो फ्लावर्स पे दिए गए। एक चीज़ और है इसमें, एक होता है राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम ऑफ ए पोएम, के जो पोएट है उसने उसको क्या स्कीम दिया है, उसमें क्या राइमिंग स्कीम है। तो आप देखते हो क्लाउड, क्राउड, हिल्स, डेफोडिल्स, ट्रीज एंड ब्रीज। तो हम इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें ऐसा आ रहा है, जैसे देखिए, ए ए, राइट, इफ यू कॉल इट ए लाइन, देन बी क्लाउड एंड क्राउड, अगेन ए, ए इज रिपीटिंग, राइट, एंड हिल्स, हिल्स, डेफोडिल्स, बी बी, राइट। नाउ ट्रीज एंड बीज आर डिफरेंट, आई मीन दे आर एंडिंग विद डिफरेंट वर्ड्स साउंड, सो सी एंड सी। तो स्कीम इज ए बी एंड सी सी, कपलेट सी एंड सी, दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। लेट अस मूव टू द सेकेंड स्लाइड, सॉरी। Now in the this second slide he continues, the poet continues to compare these daffodils. उसका जो मूड है, जो पहले गम था, गुलूम था, अब थोड़ा हल्के हल्के ही इज बिगिनिंग टू चीयर अप। दिस इज कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर, सेलिब्रेशन ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग,
मैन, वो आप यहाँ पर इविडेंट है. कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. नाउ ही कंपेयर्स दीज डेफोडिल्स टू स्टार्स, हेवनली बॉडीज. तो ही इज टेकिंग दिस कंपेरिजन टू अनदर लेवल, हेवनली बॉडीज. कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे. 10,000 सो आई एट ए ग्लांस, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. अगेन कंटिन्यूअस एज द सिमिली, अगेन एज द स्टार्स. ओके, द कंटिन्यूअस मीन कंटिन्यूटी, आई मीन व्हेन समथिंग इज गोइंग ऑन नॉट 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 स्टॉपिंग, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस. तो जो डेफोडिल्स का लाइन था, जो डेफोडिल्स स्प्रेड हुए हुए थे, इट वॉज स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया. दैट्स वाई ही इज कॉलिंग इट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन, स्टार्स की तरह से वो फैले हुए थे, जैसे कि मिल्की वे है ना हमारा गैलेक्सी, मिल्की वे, आर गैलेक्सीज नेम इज मिल्की वे. तो वो क्या करता है यहाँ पर जो कर रहा है वो पोएट, इज कंपेयरिंग द डेफोडिल्स, द स्प्रेड ऑफ डेफोडिल्स, द इन्यूमेरस जो डेफोडिल्स हैं, काउंटलेस डेफोडिल्स जो देख पा रहा है वो, उनको अब वो कंपेयर करता है स्टार्स पर, जो कि स्टार्स से जो कि मिल्की वे में है, हमारे गैलेक्सी के अंदर है. एंड ट्विंकल एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जो शाइन करते हैं और ट्विंकल कहते हैं, यू नो ग्लिमर जैसे होता है, ग्लिमर झिलमिलाना, झिलमिलाने को कहते हैं ट्विंकल. ट्विंकल जैसे करते हैं मिल्की वे में, ऐसे ही वो कर रहे हैं डेफोडिल्स. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो जो फैले हुए हैं ना बिल्कुल, वो बड़ी लंबी लाइन है जो जहाँ तक नज़र जाती है आपकी, टिल द आई कैन सी, राइट, वहाँ से उससे भी आगे उसको दिख रहा है, इतने ज़्यादा डेफोडिल्स हैं वो. अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए बे, बे इज ए बॉडी, दैट इज दिस इज कॉल्ड बे. आई हैव यू नो आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस यू नो ब्रॉट अप दिस पिक्चर फॉर यू टू गिव यू एन आइडिया वॉट अ बे इज. बे इज अ कार्डिनल लैंड, मास ऑफ लैंड, कर्वेचर इन द लैंड एंड द वॉटर इज इज कवर्ड विद पार्टली विद वॉटर्स, दैट इज कॉल्ड बे. तो ही सो दिस यू नो डेफोडिल्स हियर लाइक दिस इज along the margin of a bay. This is the called margin of the bay, along the margin of the bay. ऐसे फैले हुए थे वो. 10,000 so I at a glance. वो कहता है कि मैंने कितने देखे, 10,000. It's a, again, it's a way of saying, it's not like that he might have counted them 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on and so forth up to 10,000. It is not like that. ये it's a way of saying, जैसे कि आपके घर में नहीं कहते थे आपके teachers, या पेरेंट्स या भाई मेरे ब्रदर्स वगैरह कहते हैं कि 1,000 times आई हैव वॉर्न्ड यू, अगेन यू आर डूइंग द सेम थिंग. तो 1,000 times का मतलब ये एग्जैजरेशन होता है, वो बताना चाहते हैं कि वी हैव वॉर्न्ड यू अ नंबर ऑफ टाइम, न्यूमरस टाइम वी हैव यू नो वॉर्न्ड यू, अगेन यू आर डूइंग इट द सेम, इन द सेम वे द पोएट इज सेइंग 10,000 सो आई एट अ ग्लांस. 10,000 देखे मैंने एक ही नज़र के अंदर. आई मीन इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी एट अ ग्लांस मीन एक नज़र में. तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी for someone to see 10,000 flowers at a glance. So again, as I said, it's a way of writing. Again, it's a figure of speech, exaggeration, hyperbole, to enhance the effect. And what they were doing? Tossing their heads in a sprightly dance. Sprightly mean lively. Sprightly, lively. Sorry. Sprightly, lively, lively. Boisterous, lively, full of life, sprightly. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. And what they were doing, they were tossing. Tossing means bobbing their head, bob. When you bob your head, as hard as sir hilate na, bob karte sideways and upper and niche. Because there was a breeze, you know, blowing, gentle wind was blowing. So isme jo daffodils ka jo ek pura pura plant hai, hota hai, wo movement kar raha tha. Us movement ko usne kya bola, jaise tossing their heads. Jaise ki wo toss kar rahe ho, head toss kar rahe ho. एंड इन स्प्राइटली डांस, किस डांस कर रहे हूँ, स्प्राइटली लाइवली डांस में अपना सर हिला रहे हूँ. तो बिकॉज देवर टॉसिंग देयर हेड्स, दैट्स वाई देवर ट्विंकलिंग, एंड बिकॉज देवर द डेफोडिल्स वर गोल्डन इन कलर, देवर शाइनिंग, राइट. अंडरस्टैंड दिस थिंग वाई ही यूज दिस टू वर्ड्स, ट्विंकल एंड शाइन, बिकॉज दीज यू नो डेफोडिल्स वर
tossing their heads, twinkling like twinkling, and they were golden in colors, they were shining. Again, personification and simile. Let us move to the next slide. The waves, lehre. The waves beside them danced. The waves, first let me read out the full stanza. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. Then the poet says ke wo to dance kar hi rahe the. Daffodils were dancing in mirth, in happiness, in pleasure. Ke saath saath waves jo thi, jo lake ka waves tha, they were also dancing. The waves beside them dance. Beside mein uske saath saath, jo unke saath the, wo ye daffodils hain, ke saath saath leher hain, ye waves hain, ye bhi dance kar rahi thi. But lekin bolta hai lekin, but they outdid the sparkling waves in glee. Lekin jo daffodils ka dance tha, उन्होंने सरपास कर दिया, उन्होंने आउटडू, आउटडिड, आउटडू, सरपास, पीछे छोड़ दिया, हरा दिया. किस किन को? वेव्स को. स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग मीन डेजलिंग, डेजलिंग, राइट. क्योंकि जो सन का रेस था वो पड़ रहा था उस पर, तो देवर डेजलिंग, देवर स्पार्कलिंग, सिंथिलेटिंग. तो वो भी डांस कर रही थी, लेकिन डेफोडिल्स का डांस बड़ा अच्छा था. उन्होंने जो डेफोडिल्स के डांस ने उन लहरों के, उन वेव्स के डांस को आउटडिड कर दिया, आउटडू कर दिया, सरपास कर दिया. किस चीज में? इन ग्ली, इन हैप्पीनेस, इन प्लेजर, इन मर्थ. अ पोएट कुड नॉट बट बी गे. सब कुछ देखते हुए कहता है कि ऑब्जर्वेशन उसका, कि जब इतना अच्छा समय है, इतना अच्छा सीनरी है, इतना अच्छा शो है, तो उसमें एक पोएट को क्या चाहिए. अ पोएट बट कुड नॉट, पोएट कुड नॉट हेल्प बींग हैप्पी, राइट. अ पोएट कैन नॉट रिमेन अनटच्ड बाय दिस, यू नो, gleeful moment, by this gleeful, he is surrounded by this, you know, pleasant scenery. So how can he remain unmoved? He is bound to become part of it. So he gets that in such a jocund company, a poet could not be but gay. Ek poet ho nahi sakta, but khush ho sakta hai usme, yahi chahiye uske poet ko. Ek in such a jocund company, happy company. I gazed and gazed. Gazed means to look at something intently, with full concentration. I gazed and gazed, but little thought. Little thought. When you little think, you don't think at all. It's a negative, right? Negative, negative meaning little. I gazed and gazed, but little thought. मैं उसको देखता रहा. He kept on looking. He kept on observing this daffodil, this beautiful, you know, scene in front of him. He gazed and gazed, and he didn't think at all about what wealth the show to me had brought. ke jo samne mere show chal raha hai, itna khoobsurat, itna sundar jo show mere samne chal raha hai, daffodils and waves, daffodils nach rahe hain, waves hain, breeze chal raha hai, breeze beh raha hai, right. to iska show jo hai, ye kya wealth laya mere liye, main usko jab realize nahi kara, maine kab realize kara? Later on. Let us move on to the next stanza. For oft, oft again is an old English for often, often, oft. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. वो कहता है कि मतलब जब उस जब वो देख दे when he was gazing and gazing at those daffodils, golden daffodils, he didn't realize what wealth that show had brought to him. लेकिन वो कहता है जब बाद में, for often, बाद में उसके कई बार, जैसे मैंने आपको बताया ना, this William Wordsworth, this poet is, you know, famous for his fondness of emotions recollected in tranquility. तो ये बैठा हुआ था सोच, जब लिखा है इसने ये, I mean, he witnessed this show of daffodils 2 or 3 years back when he was traveling along with his sister Dorothy.
जब नहीं लिखा उसने, ये 2-3 साल के बाद बैठा आराम से ट्रैंक्विलिटी में, उसको एकदम स्ट्राइक करा के मैंने वो देखा था उसको, उसने जब लिखा है तो ये बोलता है, व्हेन ऑन माई काउच आई लाए, काउच कहते हैं बेड, सोफा होता है एक बड़ा काउच की तरह से, तो व्हेन ऑन माई काउच आई लाए, जब मैं काउच में लेटता हूँ, उसके कई कई साल की बात है, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब मैं खाली मतलब जो शून्य होता है मेरा, कुछ होता है ना कभी कभी मूड होता है आप शून्य में चले जाते हैं, कुछ करने को नहीं होता, यू फील रिजेक्टेड, यू हैव नथिंग टू डू एट ऑल, डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग, या पेंसिव मूड, या थोड़ा गम होता है, थोड़ा सा ग्लूमी हो जाता है, यू 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 टर्न ग्लूमी थिंकिंग अबाउट पास्ट गुड ओल्ड डेज, तो आप पेंसिव हो जाते हो, राइट, नॉस्टैल्जिक हो जाते, नॉस्टैल्जिक। तो जब भी मैं वैकेंट मूड में होता हूँ या पेंसिव मूड में होता हूँ, पोएट कहता है, दे फ्लैश अब, दे फ्लैश, फ्लैश कहते हैं एकदम कौन जाना, ये दामनी कौन थी ना, जैसे बिजली कौन थी है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो जैसे लाइटनिंग होती है एकदम आती है मेरे सामने, शो जो होता है वो रिक्रिएट हो जाता है, वो मेरे विजन में आ जाता है दोबारा, इनवर्ड आई, यू कैन कॉल इट इमेजिनेशन और फैकल्टी ऑफ यू नो रिक्रिएटिंग सम ओल्ड सीन इन योर माइंड, दैट इज कॉल्ड इनवर्ड आइज, ये आउटवर्ड आइज है, व्हेन यू एक्चुअली आई मीन दीज हेल्प यू टू सी एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ, राइट इन फ्रंट ऑफ यू, इनवर्ड आइज विच कैन, यू कैन इमेजिन, यू कैन यूज फॉर इमेजिनेशन, फॉर विजन, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन, रिक्रिएटिंग सम पास्ट इवेंट्स इन योर माइंड, दैट इज कॉल्ड इनवर्ड आई, एंड देन माई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लिस अगेन हैप्पीनेस, एंड सॉलिट्यूड इज लॉन्लीनेस, बट दैट लॉन्लीनेस विच यू एंजॉय, राइट, द लॉन्लीनेस, लॉन्लीनेस विच यू डिजायर, एक तो लॉन्लीनेस, एक तो अकेलापन होता है जिससे आप ड्रेड करते हो, यू आर ड्रेडफुल, दैट लॉन्लीनेस इज दैट ड्रेडफुल लॉन्लीनेस इज कॉल्ड सैड, वेन यू आर सैड यू आर लॉन्ली, बट दैट टाइम यू आर इन ड्रेड ऑफ दैट लॉन्लीनेस, यू वॉन्ट टू हैव सम कंपनी, राइट, बट इन सॉलिट्यूड you are enjoying that solitude, that loneliness, and you want nobody, no, you want no one to disturb your loneliness, that is called solitude, solitude which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils, wo jab ye create recreate karta hai, ye sochta hai us wali show ke bare mein, us spectacular show ke bare mein sochta hai, wo jo past mein hui thi, to uska jo heart hota hai jo abhi right now he was feeling pensive और वैकेंट, इट फिल्स विथ प्लेजर, हैप्पीनेस से भर जाता है, उसका जो डांस करने को दिल चाहता है, उसका दिल जो होता है वो झूम उठता है, राइट, डेफोडिल्स की तरह से जो उसने पहले देखा था, दैट्स ऑल, राइट, अगेन आई मीन इफ यू कैन से हार्ट विथ प्लेजर सॉलिट्यूड फिल्स डांस पेंसिव मूड वैकेंट फ्लैश अपॉन अस, ओके, नाउ वी हैव गॉट सम स्लाइड्स, राइट, comprehension, it will help you comprehend, it will help us comprehending this poem. ये कुछ हमने स्लाइड बनाया है, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, सिंपल क्वेश्चन जो आज की रीडिंग पर बेस्ड हैं, आप इनको अटैम्प्ट कीजिए, जो कमेंट बॉक्स है उसमें ऑप्शन अपने आप उसको लिखिए, उसका हम जवाब, आई मीन विल आंसर, विल रिप्लाई वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, तो यू अटैम्प्ट देम ऑल. द पोएट ऑफ डैफोडिल्स इज विलियम शेक्सपियर, विलियम योर बी यीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन. The opening line of the poem suggests ये दे रखे हैं ऑप्शंस, द क्लोजिंग लाइन ऑफ द पोएम सजेस्ट, ये ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसको चूज कीजिए कौन सा ठीक है. अगेन दिस थिंग दे आर एटली, आई मीन इन टोटल देर आर 8 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टूडेज रीडिंग, तो यू अटेम्प्ट देम एंड राइट योर कमेंट्स, राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, राइट. एंड एज यू नो टूडेज, यू नो टूडेज टूडेज डिस्कशन और टूडेज लेसन वॉज a part of the batch that is going to start from 7th of September as a foundation, so uske liye bhi admissions on hai, usme ankul sir hamare grammar padhayenge jo 7th se start ho raha hai, ankul sir ka pehla class hoga usme, fir beech mein I mean hamara jo aapko pura detail de rakha hai, if you want to have more detail you can send a whatsapp message to 8887878, so we shall give you the whole information about it. और उसमें जो कंसेशन की बात है कि जो 3000 रुपीज़ का, वैसे इसका 5000 रुपीज़ है इसका फीस इस बैच का, लेकिन 3000 है उन लोगों के लिए, मीन एक्सेस स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं पहले, कभी पढ़ा है किसी भी बैच में, ऑफलाइन एट मुखर्जी नगर और ऑनलाइन इन एनी बैच, तो दे कैन सेंड अस द रिसीट और एविडेंस, आई मीन आई कार्ड एक्सेट्रा, एंड वी शैल गिव देम द
लिंक, पेमेंट लिंक दे देंगे उनको, अगर वो भेजते हैं हमारे को कुछ पिछला, और कुछ भी बताते हैं कि उनका आईडी ये था, हमारे साथ एनरोल थे, कभी भी हमारे साथ थे, वो हमारे स्टूडेंट थे, तो उनको वो दिया जाएगा। या कोई स्टूडेंट है जो स्कूल में पढ़ रहा है 9th ऑनवर्ड्स, तो अपना आई कार्ड भेज सकता है, उनको भी वो कंसेशन का जो लिंक है वो दे दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।